साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। मैं हूं अंजू सिंह। हेलो किसान एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है जिसमें हम कृषि संबंधी तमाम विषय आप किसानों के लिए लेकर आते हैं, उन पर विस्तृत चर्चा होती है विषय विशेषज्ञ से, और साथ ही आपके सवालों को भी सुनते हैं, आपकी समस्याओं को भी सुनते हैं और देते हैं लाइव जवाब। तो आज किस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं, आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेलो किसान के आज के दो विषय पर। आज का हमारा पहला विषय है मोटे अनाज का खाद्य प्रसंस्करण, और साथ ही हम बात करेंगे मिट्टी की जांच के विभिन्न आयामों के बारे में। दोनों ही विषय बहुत महत्वपूर्ण है। खाद्य प्रसंस्करण की बात करें तो आज के समय में बहुत सारे हमारे किसान जो है मोटे अनाज की खेती की तरफ रुख कर रहे हैं, इससे उन्हें अच्छा लाभ भी हो रहा है, और इसके साथ साथ मोटे अनाज का खाद्य प्रसंस्करण बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे बने विभिन्न तरह के उत्पाद बाजार में पहुँच रहे हैं और इससे किसानों की आमदनी भी बढ़ रही है। साथ ही जो मोटा अनाज है वो लोगों तक पहुँचे, जन जन तक पहुँचे, हमारे खान पान का हिस्सा बने, ऐसे में खाद्य प्रसंस्करण बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस पर हम आगे बात करें, और अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर नोट कर लें, हमारा टोल फ्री नंबर आप देख लें 1800-1130-61, 1800-1130-61। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी अपने सवाल भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी नोट करें, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8800-5207-17। तो कोई भी सवाल है वो आप चाहे तो व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारा ईमेल पता भी नोट कर लें, hellokisan2015@gmail.com, ये हमारा ईमेल आईडी है। यानी तीनों विकल्प आपके सामने हैं। अगर आप कॉल करने में सुविधा महसूस करते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करें जिस पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। अगर आप व्हाट्सएप करने में बेहतर समझते हैं, ज़्यादा आसान लगता है आपको व्हाट्सएप करना, तो व्हाट्सएप में जाएं, आप अपने टेक्स्ट मैसेज भेजें या फिर हमें वॉइस नोट भी भेज सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि सभी सवाल हम लाइव कार्यक्रम में अपने विशेषज्ञों के समक्ष रखेंगे, लेंगे उनका जवाब। कुछ बुनियादी बातें जिनका आप ज़रूर ध्यान रखें, जब भी आप हमें कॉल करें तो ऐसे क्षेत्र से रहें कॉल करें जहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर ना हो, आपको हम स्पष्ट रूप से सुन सकें। अपने सवाल को पहले से ही आप मन में सोच लें कि क्या सवाल करना है ताकि कम शब्दों में आप ज़्यादा बात हम तक पहुँचा सकें, और इसके अलावा नेटवर्क क्षेत्र में ही रहें, टेलीविजन को म्यूट कर दें जब आप हमें फोन करें। व्हाट्सएप करते हुए भी इसी बात का ध्यान रखें कि कम शब्दों में ज्यादा बात कहें, अपने क्षेत्र का नाम जरूर मेंशन करें और ईमेल में भी। तो आशा है कि हमारे दर्शक इन बातों का ज़रूर ध्यान रखेंगे। और जैसे कि हम खाद्य प्रसंस्करण की आज बात करेंगे और साथ ही साथ मिट्टी की जांच के जो विभिन्न आयाम हैं उनके बारे में भी विस्तार से हम समझने की कोशिश करेंगे कि कृषि में मिट्टी की जांच क्यों आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है, इसके लाभ क्या क्या हैं, कौन कौन से आयाम हैं जिसके बारे में हमारे किसानों को जागरूक होना बहुत आवश्यक है। हमारे साथ दो मेहमान कार्यक्रम में रहेंगे आज, जो कि हमारे साथ एक स्टूडियो में है, डॉक्टर शालिनी गौड़ रुद्र जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर शालिनी कार्यक्रम में आपका। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं खाद्य विज्ञान फसलोत्तर प्रौद्योगिकी संभाग IARI पूसा नई दिल्ली में। तो जो आज का हमारा पहला विषय है यानी खाद्य प्रसंस्करण खासतौर पर मोटे अनाज का, उस पर हम डॉक्टर शालिनी जी से बात करेंगे, और अगर आपके कोई भी सवाल है तो डायरेक्ट शालिनी जी तक आप उन्हें पहुँचा सकते हैं। तीनों तरीके हमने आपको बता दिए हैं। दूसरा विषय जो है वो मिट्टी की जाँच के विभिन्न आयाम है, तो इस पर बात करने के लिए डॉक्टर मोहन सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। सर स्वागत है, वरिष्ठ वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश से सर हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, और आपसे मिट्टी की जांच के विभिन्न आयाम जो है उनके बारे में हम जानकारी लेंगे, उसको और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे।
तो अपने सवालों के साथ आप तैयार रहें। हमने एक बार फिर आपको बताया कि आप हमें ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आपके सवालों का हमें इंतज़ार रहेगा, क्योंकि ये हेलो किसान है। आप किसानों की भागीदारी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हो, तभी हम अपने मकसद में कामयाब होते हैं। तो सबसे पहले आज का जो पहला विषय है, यानी मोटे अनाज का खाद्य प्रसंस्करण, ये क्यों महत्वपूर्ण है, आज के समय की मांग क्यों है, इस पर हम बात करते हैं। डॉक्टर शालिनी, क्यों ये काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और हम देख रहे हैं कि इससे जुड़े कई तरह के स्टार्टअप्स भी सामने आ रहे हैं। मोटे अनाज का प्रसंस्करण, वैसे तो प्रसंस्करण होता ही है, लेकिन मोटे अनाज के प्रसंस्करण की बात करें तो इसकी भूमिका और अहम हो जाती है। जी बिल्कुल, आज के समय में जो हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हो चुके हैं, यानी जीवन शैली के विकार, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन है, किसी को गठिया का रोग है, किसी को खून की कमी है, हमारे देश में सब लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त होते चले जा रहे हैं, और छोटे छोटे बच्चों में भी कई सारी पोषक तत्वों की कमी देखी जा रही है। ऐसे जो जो बन चुका है जो माहौल, उसमें हमें पोषण सुरक्षा की जो बात की जा रही है, ना सिर्फ हमें सिर्फ ऊर्जा और प्रोटीन की ज़रूरत है, लेकिन उसके अलावा जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी खनिज पदार्थ हैं, विटामिन्स हैं, उनकी कमी नेचुरल हम प्राकृतिक तरीके से अगर पूरी कर पाएँ, तो उसके लिए सबसे अच्छा जो विकल्प है हमारे लिए आजकल मोटे अनाज, यानी कि श्री अन्न, जिसको पोषक अनाज कहा जाता है, वो उभर के आया है। और हमारा देश ही सबसे बड़ा उत्पादक है इन फसलों का, इसलिए और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इसको उगाएं और उसको प्रसंस्कृत करके अपने जीवन शैली में अपनाएं और फिर उसको आगे भी भेजें। बिल्कुल, तो जैसा कि आपने बताया कि हमारा देश सबसे बड़ा उत्पादक है और भारत को मिलेट हब के तौर पर भी विकसित किया जा रहा है, यानी पूरे विश्व में हम अपने देश से मिलेट भेजें। और इसके अलावा पोषण सुरक्षा के लिए, जैसा कि डॉक्टर शालिनी ने बताया, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे जो सूक्ष्म हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, जो पोषक तत्व हैं, उनकी हमारे बॉडी में कमी रह जाती है, शरीर में कमी रह जाती है। इनकी मात्रा बहुत कम चाहिए, लेकिन वो थोड़ी मात्रा भी अगर पूरी नहीं होती है तो इसके बहुत आपके स्वास्थ्य पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं। इसकी पूर्ति आप इस मोटे अनाज श्री अन्न से कर सकते हैं। क्यों प्रसंस्करण महत्वपूर्ण है, इससे जुड़ी आइए पहले रिपोर्ट देखते हैं। देश में मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में मोटे अनाजों की खेती की जाती है। इनके अलावा ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी मोटे अनाज उगाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोटे अनाजों और इनसे बनने वाले खाद्य उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में सरकार भी मोटे अनाजों की खेती, इसके प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन पर जोर दे रही है, जिससे किसानों की आमदनी भी बढ़ रही है। बता दें कि मोटे अनाजों में बाजरा, ज्वार, रागी, कांगनी, कोदो, कुटकी, चीना, सावा, ब्राउन टॉप मिलेट, टेफ मिलेट और फिनो मिलेट आते हैं। मोटे अनाजों का प्रसंस्करण कर कई तरह के उत्पाद बनाकर आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ज्वार से चॉकलेट, मफिन्स, पानी पूरी, बर्फी और समोसा बना सकते हैं, तो बाजरे से मुठिया, लड्डू और रागी से बालूशाही और पकौड़ी बनाई जा सकती है। मोटे अनाज से अलग अलग उत्पाद बनाने के लिए आप नई नई तकनीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरू में व्यवसाय की शुरुआत छोटे स्तर पर करने के बाद बाजार मांग के हिसाब से व्यवसाय का विस्तार भी कर सकते हैं। तो भी आपने देखा कि कैसी कैसी चीज़ें आप मोटे अनाज से, श्री अन्न से, मिलेट से बना सकते हैं, जिसकी पहले हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। देखिए, जहाँ आप एक ऐसे ऐसे चीज़ों का आप सेवन करना चाहते हैं जो लजीज हो और स्वास्थ्यवर्धक भी हो, तो मिलेट्स एक बहुत ही अच्छा विकल्प है और इसके बहुत सारे उत्पाद अब बनाए जा सकते हैं, और इसके लिए श्रेय जाता है इसके प्रसंस्करण को। इससे जुड़ी और बातें हम जानेंगे, लेकिन आज का जो हमारा दूसरा विषय है, यानी मिट्टी की जांच के विभिन्न आयाम, बात करते हैं डॉक्टर मोहन से। डॉक्टर मोहन, मिट्टी की जाँच आज के समय की मांग है, ये अब किसान समझ चुके हैं। हम देख रहे हैं किसान भी सबसे पहले अपनी मिट्टी की जाँच कराना चाहते हैं। इसके जो विभिन्न आयाम हैं वो क्या हैं, इन्हें कैसे समझा जाए? देखो मैडम, पहले तो मैं सभी दर्शकों को अपना नमस्कार करता हूँ कि
जो ये आपका बहुत अच्छा सवाल है कि किसान भाइयों अपनी जो फसल बोते हैं जी, उससे पहले अपने खेत की मिट्टी की जांच करना अत्यावश्यक होता है, क्योंकि इससे ये पता लगता है मैडम कि हमारे खेत की मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व मौजूद हैं और किस किस पोषक तत्व की आवश्यकता है उस फसल। तो ये सब मिट्टी की जांच के आधार पर ही पता लगता है जी कि ए में उस फसल को कितनी आवश्यकता पोषक तत्वों की और ये पोषक तत्व किस फर्टिलाइजर से मिलेंगे, इसे मिट्टी की जांच के आधार पर हम लोग किसानों को अवगत कराएं। जी जी बिल्कुल जी 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 बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया कि मिट्टी की जांच कराने से किसानों को पता चल जाता है कि मिट्टी में कौन से पोषक तत्वों की कमी है, और ये भी उन्हें पता चल जाता है कि जो वो फसल लेना चाहते हैं उसके अनुसार उनकी मिट्टी की सेहत है या नहीं। इससे कई लाभ हैं। एक तो ये कि जिन पोषक तत्वों की कमी है सिर्फ उन्हीं की पूर्ति करें, अंधाधुंध ना झोंके जो उर्वरक हैं, लागत घटती है किसानों की, और साथ ही मिट्टी की सेहत पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है जब आप उचित मात्रा में इन न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि हमारे मेहमान डॉक्टर मोहन सिंह का कहना है। चलिए मिट्टी की जाँच पर देख लेते हैं ये रिपोर्ट। अच्छी फसल के लिए मिट्टी का बेहतर होना जरूरी है। मिट्टी खेत और फसलों की जान होती है, इसलिए आपको फसल बुआई से पहले अपने खेत की मिट्टी की जांच जरूर करानी चाहिए। खेत की मिट्टी में पौधों के समुचित विकास के लिए जरूरी पोषक तत्वों की उपलब्ध मात्राओं का रासायनिक परीक्षणों द्वारा आकलन करना और मिट्टी की लवणीयता, क्षारीयता और अम्लीयता की जांच करना मिट्टी परीक्षण कहलाता है। पौधों की अच्छी बढ़वार के लिए मुख्य रूप से 17 पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर मुख्य पोषक तत्व हैं। इन पोषक तत्वों में से पहले 3 तत्वों को पौधे आम तौर पर हवा और पानी से प्राप्त करते हैं और बाकी बचे पोषक तत्वों के लिए ये भूमि पर निर्भर होते हैं। आमतौर पर ये सभी पोषक तत्व भूमि में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध रहते हैं, लेकिन खेत में लगातार फसल लेते रहने के कारण मिट्टी से इन सभी आवश्यक तत्वों का ह्रास हो जाता है। ऐसे में खेतों में उर्वरक डालने की सही मात्रा की जानकारी मिट्टी की जांच द्वारा ही ली जा सकती है। मिट्टी परीक्षण के लिए सबसे जरूरी होता है मिट्टी का सही नमूना एकत्र करना। मिट्टी का नमूना हमेशा फसल की बुआई या रोपाई के 1 महीने पहले लेना चाहिए। ध्यान रखें कि खेत में ऊंची नीची जगह से नमूना न लें। मेड़, पानी की नाली व कंपोस्ट के ढेर के पास से नमूना न लें। मिट्टी के नमूने को खाद के बोरे या खाद की थैली में नहीं रखें। मिट्टी की जांच कराने से आपको अपने खेत की मिट्टी की कमजोरियों का पता चलता है, साथ ही ये भी पता लगता है कि खेत के लिए कौन सी फसल लगाना ठीक रहेगा। तो देखा आपने कि कैसे मिट्टी की जांच करवाना बहुत आवश्यक है, और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम अपना हेल्थ चेकअप कराते हैं। एक रिपोर्ट मिलती है जिसे हमें पता चलता है कि क्या कम है और क्या मात्रा में सही मात्रा में है। उसी तरीके से आप मिट्टी की जांच कराते हैं तो इसके बारे में भी पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो जाती है। दोनों विषय से जुड़े हुए अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप हमें ज़रूर कॉल करें। आज हम बात कर रहे हैं खाद्य प्रसंस्करण की, मोटे अनाज का खाद्य प्रसंस्करण और साथ ही मिट्टी की जाँच के विभिन्न आयामों पर हम बातचीत कर रहे हैं। कॉल ज़रूर करें, अपने सवाल हमें आप टोल फ्री नंबर के माध्यम से व्हाट्सएप या फिर ईमेल करके भी पहुंचा सकते हैं। डॉक्टर शालिनी, अब हम शुरुआत करते हैं, जैसे मोटे अनाज के प्रसंस्करण की बात की तो ये समझाएं कि मोटे अनाज का प्रसंस्करण करना किस तरह से महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक ये भी चैलेंज रहता है कि इनका न्यूट्रिएंट भी बने रहें। हम जो गेहूं और चावल देखते हैं उससे भिन्न है क्योंकि इनकी शेल्फ लाइफ उतनी ज़्यादा नहीं रहती है, तो यहाँ कितना सतर्क रहने की आवश्यकता है या फिर ऐसे में प्रसंस्करण और कितना महत्वपूर्ण है? मोटे अनाजों का प्रसंस्करण बाकी अनाजों से थोड़ा अलग है क्योंकि इसमें इसकी एक तो छिलका होता है इसका, उसको डीहस्किंग करके निकाला जाता है। अनाजों का जो 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 साइज़ है यानी कि आकार जो है वो भी छोटा होता है, तो उसके लिए मशीनें जो हैं उसके लिए अलग होती हैं, और काफ़ी ज़्यादा इसमें डीस्टोनर, एस्पिरेटर इन सब की ज़रूरत पड़ती है ताकि इनको अच्छे से साफ़ करके तभी मशीन में डाला जाए और तब जाके इनका
जब डी हस्किंग करते हैं यानी कि इसका ऊपर की परत हटा देते हैं, फिर उसके बाद में जो हमें दाना मिलता है वो खाने योग्य होता है, और उसके उसको भी अगर हम थोड़ा बहुत पर्लिंग करना चाहें तो वो कर सकते हैं, हालांकि पर्लिंग ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात ये है कि इसको खाने से पहले कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट ज़रूर किया जाए, क्योंकि कई सारे प्रतिपोषक तत्व भी इनमें होते हैं, यानी कि अगर हम इसको या तो भिगो लें या अंकुरित कर लें या इसको भून लें, तब इसके जो पोषक तत्व हैं वो आराम से हमारा शरीर उसको समाहित कर पाएगा और उसको पचाने में भी हमें आसानी होगी। तो अगर भून लें और उसके बाद में इसके आटों को रखें, तब उसकी जो शेल्फ़ लाइफ की आप बात कर रहे हैं, जैसे बाजरे में प्रायः ये पाया जाता है कि इसमें बदबू आने लगती है या कड़वा हो जाता है, तो उसके लिए जो है ताप उपचार किया जा सकता है, यानी कि इसको कहीं ना कहीं कुछ गर्माहट यानी कि गर्म तापमान में इसको या तो भूनें या फिर उबाल के फिर सुखा के फिर पीसें, तब ये जो कड़वाहट की जो समस्या है वो नहीं आती, पर बाकी अधिकतर अनामुक कदनों में ये प्रॉब्लम नहीं आती। बिल्कुल, एक कॉलर है नंदकिशोर मिश्रा जी हैं हमारे साथ, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से कॉल किया है। जी नंदकिशोर जी, स्वागत है हेलो किसान में, सवाल बताएं। जी मैम नमस्ते, विपिन बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश। विपिन माफ कीजिएगा, विपिन है सागर से। जी विपिन जी स्वागत है हेलो किसान में, सवाल बताएं। जी मैम, मेरे मैम दो सवाल हैं। जी पहला सवाल मैं ये जानना चाह रहा था कि पहले कहा जाता था कि अगर गर्मियों में खेत खाली हैं तो 2 या 3 साल के बाद गहरी जुताई करके छोड़ देना चाहिए, इससे खेत में सुधार होता है, लेकिन मैंने कहीं पे सुना कि गहरी जुताई नहीं करनी चाहिए क्योंकि कार्बन की कमी आ रही है मिट्टी में, तो ये मिथ है या सही है, डॉक्टर साहब से ये जानना था। दूसरा सवाल ये था कि हम जब मिट्टी की जाँच कराते हैं मैम तो रिपोर्ट काफी देर में आती है, इसके लिए वक्त लगता है, तो इसका कोई समाधान हो सकता है क्या? ठीक है, दो सवाल हैं। एक तो डॉक्टर मोहन, हमें सुन पा रहे हैं आप? हेलो डॉक्टर मोहन, क्या आप तक मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है? हेलो जी, आवाज़ सुन पा रहे हैं आप मेरी डॉक्टर मोहन? हाँ, जी सर, हमारे दर्शक हैं विपिन हैं सागर से मध्य प्रदेश से, इनका पहला सवाल ये है कि क्या वाकई में खेतों की गहरी जुताई करनी चाहिए, क्योंकि उनका कहना यह है कि उन्होंने ऐसा सुना है कि क्योंकि कार्बनिक मैटर कम होता जा रहा है तो इससे गहरी जुताई का विपरीत असर पड़ सकता है फसल पर। दूसरा इनका सवाल है कि मिट्टी की जांच की रिपोर्ट आने में समय लगता है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? जी देखिए, इनका भाई किसान भाई का बहुत बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ऐसा गहरी जुताई हम गर्मी में इसलिए कराते हैं क्योंकि हमारे हार्ड परत जो बन जाती है उसको तोड़ने के लिए हम गहरी जुताई कराते हैं, और इतनी भी गहरी जुताई ना कराएं जिससे कि उसके ह्यूमस का प्रभाव पड़े, ऑर्गन कार्बन या हमारी अच्छी मिट्टी नीचे चली जाए, केवल हमको 6-7-8 इंच गहरी मिट्टी को हमको गहरी जुताई करनी है जिससे हमारी हार्ड जो परत है वो हमारी परत टूट जाए, ठीक है? इसलिए गहरी जुताई ज़्यादा गहरी नहीं करानी, मुश्किल से 6-7 इंच गहरा हमको चलाना है जिससे ऑर्गन कार्बन हमारा पर्याप्त रहे और जो हार्ड परत बनी हुई है वो हमारी, और उससे जो हमारे जीव जो हमारे हानिकारक जीवाणु हैं वो नीचे ऊपर आ जाए, धूप में आकर उनके महीने में वो मरे, इसका एक तो ये ऊपर है। दूसरी बात, दूसरे मेरे किसान भाई का सवाल ये है कि रिपोर्ट नहीं मिलती। देखिए रिपोर्ट बिल्कुल टाइम से मिलनी चाहिए, मैं सभी अपने साथियों को जो भी जबोत्री के प्रभारी उन पर अनुरोध करना चाहूँगा कि किसान की मिट्टी की जाँच करके हिंदी के फॉर्मेट में किसान को प्रति बीघा प्रति एकड़ प्रति हेक्टेयर पूरी रिपोर्ट बननी चाहिए, क्योंकि मैं सभी से अनुरोध करूँगा अपने साथियों से कि भाई किसानों की समस्या है आती है रिपोर्ट नहीं मिल पाती है, तो उसको हिंदी के फॉर्मेट में जो भी हमारा सॉइल हेल्थ कार्ड है उसमें सारी सूचनाएं जो मिट्टी के परीक्षण के द्वारा जो निर्धारित होती हैं उसको हिंदी के फॉर्मेट में, क्योंकि किसान पढ़ नहीं पाते हैं इसमें, तो हिंदी के फॉर्मेट में कितनी परसेंट नाइट्रोजन, कितना नाइट्रोजन, कितना फॉस्फोरस, कितना पोटाश और किस उर्वरक के अंदर वो मिलेगा, इस बात को भी हमको हमारे साथियों को लिखना चाहिए कि बता परीक्षण प्रयोगशाला प्रभारी हैं, और ये पोषक तत्व किस मात्रा में देना है प्रति बीघा, तो ये भी हमारे किसान समझ जाएंगे तो उसको मिट्टी जांच करने का फायदा होगा, अन्यथा कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए मेरा ये सुझाव है कि मिट्टी की जांच की रिपोर्ट किसान भाइयों को अवश्य मिलनी चाहिए जिससे कि अपनी वो बुवाई से पहले अपने खेत की मिट्टी का परीक्षण करा के संतुलित मात्रा में जो हमारे साथी लिखते हैं संतुलित मात्रा में अपने पोषक तत्वों का प्रयोग कर सकें, जब भी मिट्टी की जाँच करने का फायदा नहीं, मतलब कोई फायदा नहीं रिपोर्ट नहीं आती तो
एक अच्छा नहीं होगा। तो मैं बार अनुरोध करूंगा अपने लेवती प्रभारियों से, जो मैं किसान का भी सवाल है और जो भी किसान भाई मध्य प्रदेश बात कर रहे हैं वहाँ के प्रोग्रामर से जाकर के मिले भाई हमारे को क्यों नहीं देते हैं, क्या कारण है, तो उनको क्वेश्चन का जवाब वहाँ से मिल सकता है। जी जी बिल्कुल, और सही समय पर मिट्टी की रिपोर्ट ज़रूर मिलनी चाहिए ताकि उसी के अनुसार ही हमारे किसान अपनी फसलों को लेकर योजना बना सके। फिलहाल इसी के साथ ही हमारे लिए यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। आप किसान भाई बहन अपने सवालों के साथ तैयार रहें, व्हाट्सएप करें, ईमेल करें या फिर हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। मुलाकात होगी छोटे से ब्रेक के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है? हाँ, क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है, और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें, किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लोग किसान और आज हम बात कर रहे हैं मोटे अनाज यानी श्री अन्न के प्रसंस्करण की, और साथ ही हमारे किसान कैसे समझे कि मिट्टी की जांच बहुत महत्वपूर्ण है, इसके विभिन्न आयाम क्या हैं, ये समझाने का आज हम आपको प्रयास कर रहे हैं। इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो राकेश जी हैं जिन्होंने हमें सिरसा से फ़ोन लगाया है। राकेश जी स्वागत है हेलो किसान में, बताइए क्या प्रश्न है। आप हरियाणा से हमारे साथ फ़ोन लाइन पर हैं, सवाल बताएँ। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार, हमें हमारे जी को मिट्टी की जांच करने के लिए नहीं आती यहाँ पर जी, हम कहाँ से कराएं मिट्टी जांच? मिट्टी की जांच क्या क्या समस्या आती है? मिट्टी की जांच करने के लिए कोई टीम नहीं आ रही हमारे यहाँ पर। टीम नहीं आ रही है? हाँ जी, हम कहाँ से कराएं मिट्टी? ठीक है डॉक्टर मोहन, इनकी समस्या है कि इनके क्षेत्र में टीम नहीं आ रही है मिट्टी की जांच के लिए, तो ऐसे में इनके पास क्या विकल्प है? सिरसा से है ये, हरियाणा। सिरसा से मेरे किसान भाई, अच्छा सवाल है। मैं ये कह रहा टीम नहीं आ पा रही है, तो मैडम हमारा भी फर्ज बनता है हमारे किसान भाइयों का, जो नजदीकी डिस्ट्रिक्ट कृषि विज्ञान केंद्र है या कृषि विश्वविद्यालय में सिरसा में, तो वहाँ जा करके आप मिट्टी की जांच करा सकते हैं। हर कृषि विश्वविद्यालय के अंदर हमारी मिट्टी जाँच की प्रयोगशाला है, और हमारे प्रत्येक कृषि विज्ञान केंद्र जितने भी हमारे हैं डिस्ट्रिक्ट वहाँ पर प्राप्त है डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर हमारे प्रत्येक कृषि विज्ञान केंद्र पर मिट्टी जाँच की प्रयोगशाला है, और कृषि विभाग के ब्लॉक स्तर पर तहसील स्तर पर भी आज की युग में मिट्टी जांच की प्रयोगशाला है। जी टीम नहीं आ पा रही है मैडम, तो हमारे किसानों को अभी नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या अपना कृषि विभाग या कृषि विश्वविद्यालय में जाकर के अपने मिट्टी का नमूना ले जाकर के एक आदर्श नमूना ले जाकर के और वहां जाकर संपर्क कर लें, और जो भी निर्धारित फीस होगी उसको दे दें, और वहाँ से कह दें भाई हमारे मिट्टी की जाँच करानी है, ये हमारा नमूना है और ये हमको फसल बोनी है, इस जाकर वहाँ पर ले जाओ तो अच्छा रहेगा। क्योंकि आजकल सहमतम की सरकारी विभाग में काफी काम है, तो इसलिए किसान भाई के पास टीम नहीं जा पाती है, और फिर भी अनुरोध कर ले एक बार में जाकर के सर हमारे यहाँ पर नमूना लेने की विधि बता दीजिए, एक ट्रेनिंग ले लेना चाहिए किसान भाइयों को विभाग से कि नमूना कैसे लेते हैं, कलेक्ट कैसे करते हैं, कितना नमूना लेना चाहिए, एक नमूना कैसे बनाते हैं एक क्रॉप के लिए, तो इस प्रकार की जानकारी में ट्रेनिंग ले सकते हैं तो अच्छा रहेगा इनको। डॉक्टर मोहन, जैसे कि आपने बताया कि एक बिल्कुल सही नमूना लेकर के जाएं, तो मिट्टी की जांच कराने से पहले जो आपने नमूना बताया वो कैसे जी, मतलब अच्छा बिल्कुल सही नमूना किस तरीके से तैयार किया जाए, ये भी हमारे दर्शकों को बता दें। जी बहुत सवाल आपने किया है। ऐसा होता है देखिए, जो हमारे खेत होते हैं तो हम सोचते हैं आदर्श नमूना लेने के लिए हम एक एकड़ जमीन सेलेक्ट करते हैं, जैसे मान लिया हमारे पास एक हेक्टेयर जमीन है, तो उसमें से हम करीब तीन नमूने लेंगे, करीब पाँच बीघे करीब एक नमूना सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि जब ज़्यादा एरिया होगा तो पूरी मिट्टी के जांच के लिए अच्छा नमूना नहीं जाएगा, तो एक एकड़ के लगभग नमूना ले लेते हैं मैडम, एक एकड़ एरिया का। और नमूना लेने के लिए क्या करते हैं कि हम खेत हमारा खाली होना चाहिए, खेत खाली होगा तो अच्छा रहेगा, और भूमि के ऊपर से मिट्टी के ऊपर एक परत हटा दें,
फावड़े की सहायता से, खुरपी की सहायता से, जिसमें हमारा घास फूस कंकड़ पत्ता जो भी हुआ चटा, हटाने के बाद में खेतों के चारों कोनों से करीब 1 मीटर दूर, कोने से या मेड़ से 1 मीटर दूर हमें गड्ढा खोदना होता है चारों कोनों से और खेत के करीब 1-2 बीच में से। अब गड्ढा क्या करते हैं कि फावड़े से या उंगली की सहायता से या खुरपी के माध्यम से या और भी अपना कोई यंत्र उसके माध्यम से हम खेत में जाते हैं, उसकी घास फूस की परत हटा करके और उसको भी साफ कर लेते हैं, अपने साथ बाल्टी ट्रे कपड़े की पॉलीथीन सब ले जाते हैं और ले जाकर के मैडम फावड़े की सहायता से गड्ढा खोदते हैं। जो पहला फावड़ा लगाते हैं जमीन में उस मिट्टी को हमको फेंक देना चाहिए, फिर हम दूसरी साइड से घूमेंगे तो फिर फावड़ा मारेंगे उस मिट्टी को फेंक देते हैं। तो कुल मिलाकर के V4 वैन इस प्रकार का अक्षर बनता है, V4 वैन मतलब ऊपर चौड़ा नीचे तंग, इस प्रकार का गड्ढे का साइज हो जाता है। तो उस गड्ढे को हम साफ कर देते हैं। ध्यान रखना है हमें दाने वाली फसल सीरियल क्रॉप के लिए मिट्टी की जांच करानी होती है, तो उससे हम 4 से 5 इंच गहरा, और हमें गन्ने के लिए जांच करानी होती है तो उसके लिए हम 10 इंच गहरा इस प्रकार का मैडम गड्ढा खोदते हैं। उस गड्ढे को खुरपी की सहायता से ऊपर से नीचे तक, जो हमारी प्रोफाइल होती है 3-4 लेयर होती है, ऊपर से नीचे तक खुरपी के माध्यम से करीब 1.5 से 2 सेंटीमीटर मोटी परत हम लोग उसको काटते हैं, और जो गड्ढे में मिट्टी गिर जाएगी उस मिट्टी को हम उठा करके एक ट्रे में हम लोग रख लेते हैं। इस प्रकार से हम 4-5 गड्ढे खोदते हैं पूरे खेत से 1 एकड़ जमीन से, और मैंने 1 गड्ढे से हमको 1 किलो मिट्टी मिली तो 5-6 गड्ढों से हमको करीब 5 किलो मिट्टी मिल गई, उसको हम अपने घर ले आते हैं, उसमें से अपना घास फूस कंकड़ पत्थर साफ करके उसको रख लेते हैं। उसको रख करके हम एक गोल ढेर बनाते हैं, उस गोल ढेर करके हम 4 हिस्से करते हैं, तो उस 4 हिस्से का आमने सामने के हिस्से को हटा देते हैं और शेष दोस्तों को फिर मिक्स कर लेते हैं। फिर मिक्स करके मान लो 4 किलो मिट्टी थी तो आधा हमने हटा दिया, 2 किलो मिट्टी शेष बच रही, उस 2 किलो मिट्टी के फिर गोल ढेर बनाते हैं जो उसको 4 हिस्से करते हैं, तो आमने सामने के फिर हटा देते हैं, उनको हटा करके शेष दोस्तों फिर मिला लेते हैं। तो इस गतिविधि को करते करते हमारे पास में करीब 500 से 600 ग्राम मिट्टी रह जाए, उस मिट्टी को हम लोग छाया में सुखा करके और एक साफ सी कपड़े की पॉलीथीन में भर लेते हैं, और भर करके एक रबड़ से बंद कर देते हैं, रबड़ बैंड से, और उस पर मैडम 2 लेबल बनाते हैं, 2 पर्ची बनाते हैं, जिसमें किसान का नाम, पिताजी का नाम, गांव का नाम, विकास खंड का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, और कौन सी फसल हमारी कटी है और कौन सी फसल हमको बोनी है, आगे बोने वाली फसल जी। इस और अपना मोबाइल नंबर इस 2 स्लिप बनाते हैं, एक तो पॉलीथीन के ऊपर उसके पन्ने के ऊपर बांध देते हैं और एक अपने पास रखते हैं रिकॉर्ड के लिए कि मैंने ये डॉक्टर साहब को या लेबोरेटरी के अंदर नमूना दिया जी, और आगे प्रभारी का नंबर लेना ले लेना चाहिए उनको स्लिप पर कि सर मेरी जांच जब हो जाए तो मुझे फोन कर देना। तो इस प्रकार की गतिविधि लगते हुए अपने वहाँ मृदा अच्छा प्रयोगशाला नजदीक में जाकर नमूना दे सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें मैडम जी, मैं किसान भाई से अनुरोध करना चाहूंगा कि जब मिट्टी का नमूना लेते हैं तो सावधानी बरतना होगा। एक तो यह कि खड़ी फसल से नमूना लाना है, खड़ी फसल से नमूना भी लेना है तो लाइनों के बीच से, ठीक है सर, और एक गांव के नजदीक जो खेत होते हैं जिसको हम गाँव देहा तो बाड़ा शब्द कह देते हैं, वहाँ उचित नहीं होता मिट्टी का जांच करना क्योंकि वहाँ तो वैसे और कार्बन ज्यादा होता है जी। और एक पेड़ के नीचे जो होता है, पेड़ के नीचे जो पत्ते गिरते हैं उनके गिर जाते हैं, बस बनता है जी जी बिल्कुल, जो सावधानियों के बारे में रिपोर्ट में भी जानकारी दी। इस बीच एक कॉलर है सर योगेश हैं जिन्होंने हमें छत्तीसगढ़ से फोन किया है। योगेश जी स्वागत है हेलो किसान में, बताइए क्या प्रश्न है जी। मेरे को जानना था जो मिट्टी के अपन टेस्ट करा देना कितना गहरे मिट्टी खोदे कराना चाहिए, मिट्टी का सैंपल जो लेना है उसके बारे में बात कर रहे हैं आप जी? जी जी कितना गहरे कराना चाहिए सैंपल वही ठीक है। हालांकि इसके बारे में भी उन्होंने हमारे दर्शक जो पूछ रहे हैं डॉक्टर मोहन इसकी जानकारी दी थी, लेकिन फिर से एक बार हम बात कर लेते हैं। डॉक्टर मोहन कितनी गहराई से मिट्टी का सैंपल लेना होगा, जैसे कि आपने बताया कि एक कोन की तरह बना करके मिट्टी में उससे धीरे धीरे मिट्टी निकाल, ऐसा होता है अभी मैंने द्वारा किसानों को बताया था कि सीरियल क्रॉप लगाते हैं दानेदारी फसल, दानेदार फसल के लिए करीब 6 इंची गहरा गड्ढा और गन्ने के लिए सुगर केन के लिए हमें करीब 10 इंची गहरा गड्ढा खोदाना होता है, और उस गड्ढे को हम लोग एक फावड़े के माध्यम से खोल देते हैं और V4 वैन जो इंग्लिश का अक्षर होता है ऐसे गड्ढा बन जाता है। तो खुरपी की सहायता से या किसी पत्ती की सहायता से या हमारे पास एक ओमर यंत्र उसको जमीन में घुसा दें तो उससे भी मिट्टी का नमूना ले लेते हैं, और मिट्टी के नमूने को लेकर के और एक गोल ढेर बना लें, गोल ढेर बना करके उसके 4 हिस्से कर लें और आमने सामने से हटा दें, विशेष हिस्सों को जो बचे हैं तो उनको फिर मिला लें। इनको मिला करके इस गतिविधि करते करते हमारे पास 500-600 ग्राम मिट्टी रह जाए, उसको छाया में सुखा करके 7 कपड़े की पॉलीथीन
जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इसके पूरा प्रोसेस जो है आप सर पहले बता चुके हैं और हमने रिपोर्ट में भी जानकारी दी है, तो हमारे दर्शक बिल्कुल समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपको मिट्टी का सैंपल अपने खेत से लेना है। कौन मैडम, एक और कहना चाहूंगा, ये भी कहना चाहिए किसानों का अनुरोध है कि जिस खेत में उर्वरक डाला हो करीब 15-20 दिन पहले उससे नमूना ना लें। जी जी, ये एक और खास बात है जिसका ध्यान जरूर रखें हमारे दर्शक। और मोटे अनाज पर हम बात करते हैं, डॉक्टर शालिनी एक चीज़ हमने और देखी, देखिए जो उपभोक्ता है वो न्यूट्रिएंट्स लेना चाहता है, पोषक भोजन लेना चाहता है, लेकिन जो मोटे अनाज से बने हुए उत्पाद हैं वो देखने में उतने खूबसूरत नहीं लगते हैं थोड़ा, क्योंकि मोटे अनाज है वो हस्क भी रहता है, रंग थोड़ा सा उसका डार्क होता है, तो कई बार जो कंज्यूमर है उसको लेकर झिझक महसूस करता है। तो इसके बारे में मैं चाहूँगी थोड़ा हमारे दर्शकों को भी जानकारी दें और हमारे जो किसान हैं जो प्रोसेसिंग यूनिट से जुड़े हुए हैं उन्हें कैसे और बेहतर तरीके से प्रोडक्ट्स डिवेलप करने चाहिए। जी कहते हैं कि सबसे पहले जब कोई भी खरीदने के लिए कुछ जाता है या खाने के लिए कुछ किसी चीज़ को उठाता है तो आँखों से खाते हैं, तो दिखने में आकर्षक होना ज़रूरी होता है। लेकिन एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि जो प्राकृतिक रंग हैं, जैसे रागी जो है लाल रंग की है, तो उसके भी प्रतिऑक्सीकारक एक्टिविटी गतिविधि होती है, यानी कि हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स को, यानी जो जैसे प्रदूषण से आजकल हम जूझ रहे हैं, तो उसको सोखने के लिए, उसको नलिफाई करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए हमारे शरीर में उन रंगों की बड़ी ज़रूरत होती है। ये कहते हैं कि हाँ इसका रंग गहरा है, भूरा है, दिखने में अच्छा नहीं लगता, तो उसको ओवरकम करने के लिए या फिर उसको उसके लिए हम प्राकृतिक रंग मिला सकते हैं, जैसे कि चुकंदर का पाउडर बना लिया या फिर चॉकलेट के पाउडर मिला के बनाते हैं। जैसे रागी अगर है तो रागी में भी एक KMR 340 वैरायटी है जो सफ़ेद रंग की है। रागी को काफ़ी कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत मानते हैं, जी जी जी। तो रागी लेकिन लाल रंग की होती है तो वो रंग थोड़ा अलग हो जाता है उत्पादों का, उसके लिए KMR 340 वैरायटी किस्म है जो सफ़ेद रंग की है, यूज़ किया जा सकता है। जी एक कॉलर हैं, पहले उनका हम सवाल ले लेते हैं, काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। नंद स्वरूप जी हमारे साथ फ़ोन लाइन पर है। जी सर स्वागत है नंद स्वरूप जी बताइए। मैं जानना चाहता जो मेरा हमारा मोटा अनाज होता है इसका कच्चा भंडारण करने जो खेत में पक गया हम घर में लेकर के आए, इसका भंडारण को कैसे करना है और इसके जो उत्पाद होते हैं उनको किसी विशेष कमरे में या विशेष किसी रूम में उत्पाद रखना है जिससे वो भंडारण सही सलामत है, मार्केट में अच्छा उसका मूल्य मिल सके। ठीक है नंद स्वरूप जी, बहुत अच्छा सवाल है। मैम पहला सवाल तो इनका यही कि मोटे अनाज का भंडारण किस तरीके से, कौन से मोटे अनाज की बात, किस मोटे अनाज के बारे में जानना चाहते हैं आप नंद स्वरूप जी? फोन कट गया मुझे लगता है, बाजरा रागी जो भी उत्तर प्रदेश से हैं हमारे दर्शक, उत्तर प्रदेश में मुख्यतः मेरे ख्याल से बाजरा होता है। तो जब भी किसी भी अनाज को हम भंडारण करते हैं तो उसका जो नमी का स्तर है उसको कम करना आवश्यक होता है और कम से कम 11-12% तक उसको लेके आना चाहिए। और जो सुखाने की जो प्रक्रिया है, जैसे धूप में सुखाते हैं तो धूप में जो है सुखाने का जो प्रक्रिया है वो अच्छे से पूरी कर लेनी चाहिए, तभी जाके अगर भंडारण करेंगे तब ठीक रहेगा, नहीं तो फफूंदी उगने के या फिर उसमें अपने आप ही जो बीज है वो अपने आप रेस्पिरेशन करके वो और ज़्यादा गर्मी पैदा करेगा और सड़न पैदा हो जाएगी। तो 11-12% तक कम से कम आपको उसको सुखाना है, चाहे धूप में या फिर ब्लोअर लगा के सुखाएं और फिर ही इसको ढंग से भंडारण करें तब अच्छा रहेगा। नीम की पत्तियां साथ में रख सकते हैं वो अच्छा रहेगा। और जो उत्पाद है उनका किस तरीके से भंडारण करना चाहिए, जो बाजार में बेचने हैं उनको कैसे रखें? बाजार में बेचने के लिए अच्छे से पैकिंग करना आवश्यक है क्योंकि पोषक तत्व हैं इसमें, कीड़े लगने की या फिर सीलन होने की समस्या आती है, तो ढंग से इसको पैक किया जाए। अगर नमी लेने वाले उत्पाद हैं जैसे बिस्कुट है तो बिस्किट को अगर हम पैक करेंगे तो पॉलीथीन में अच्छे से सील करके तभी पैक करेंगे और उसकी जो पॉलीथीन की मोटाई है वो कौन सी पॉलीथीन ले रहे हैं वो भी ठीक देखना चाहिए और कितने अच्छे से सील हो रही है कि नहीं वो भी देखना पड़ेगा।
अगर तला हुआ कोई पदार्थ है तो फिर उसको रोशनी से बचाना है। जी 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 बिल्कुल। तो ये कुछ ख़ास बातें हैं मोटे अनाज के भंडारण की बात करें या फिर उनसे प्रसंस्कृत जो उत्पाद हैं उनके स्टोरेज की बात हो। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद भी हेलो किसान जारी है, आपके सवालों का इंतज़ार है। हमें कॉल करें, व्हाट्सएप करें या फिर ईमेल भी कर सकते हैं। बात अच्छी सेहत की हो, किसी तरीके की लापरवाही नहीं करो, किसी तरीके का समझौता ना करो, ना बरतें लापरवाही। लक्षणों को पहचाने और लें डॉक्टर की सलाह। चाहे बीमारी दिल की हो, दांतों की हो या दिमाग की हो, खुद से इलाज ना करें, खुद से कोई भी दवाई ना खाएं, डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं और अपना पूरा इलाज करवाएं और अपना ख्याल रखें। कार्यक्रम जो देगा सलाह भी मार्गदर्शन भी। मोबाइल उठाएं, नंबर मिलाएं 1800-11-3060 या 1800-11-3061। आप भी अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और बात करते हैं एक दर्शक से। हमारे साथ तरुण जी हैं फोन लाइन पर, जिन्होंने राजस्थान के अजमेर से हमें कॉल किया है। तरुण जी स्वागत है, बताए क्या प्रश्न है आपका। हेलो तरुण जी, पहले टेलीविजन को म्यूट कर दें। जी मैडम। जी धन्यवाद, आप सवाल बताएं अपना। जी मैडम, मेरा सवाल ये है कि मोटे अनाज के खाद्य प्रसंस्करण से इससे जुड़ी कोई प्रशिक्षण की व्यवस्था है मैडम, और सरकार द्वारा कोई इसमें वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका तरुण जी। आप ट्रेनिंग के बारे में जानना चाहते हैं कि प्रसंस्करण अगर हम करना चाहते हैं, अलग अलग तरह के उत्पाद बनाना चाहते हैं, आटा बनाना चाहते हैं, चिप्स बनाना चाहते हैं, मफिन्स बनाना चाहते हैं, तो क्या इसकी ट्रेनिंग की सुविधा है? मैम क्या बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा इनका सवाल है कि कहाँ से प्रशिक्षण लें। तो राजस्थान में बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं और बहुत सारे कृषि विज्ञान केंद्र भी हैं, जहाँ पर आप जाके ज़्यादातर वहाँ पर बाजरा है, बाजरा और ज्वार, इनकी जो प्रसंस्करण की ट्रेनिंग्स की जाती हैं। हमारे पूसा संस्थान में भी हम प्रसंस्करण की ट्रेनिंग देते हैं, और बहुत सारे उत्पाद जैसे बिस्किट, नमकीन, ब्रेड, नूडल्स, पास्ता या मैक्रोनी, इस टाइप के बहुत सारे उत्पादों, मफिन्स, इन सब को बनाने की हम प्रशिक्षण देते हैं। और जहाँ तक वित्तीय सहायता की बात होती है, अगर आप अपने PMFME स्कीम में अगर अप्लाई करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ यानी कि खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, उनकी तरफ से बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं। और एक जिला एक उत्पाद करके भी एक स्कीम है, ODOP, वहाँ पर आप अपने स्टेट, अपने राजस्थान के जो अथॉरिटीज़ हैं वहाँ पर जाके वित्तीय सहायता बहुत अच्छे से आपको मिल सकती है। MSME जो है, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्रालय, वहाँ से भी आपको इसके लिए आपको वित्तीय सहायता 50% तक ज़रूर मिल सकती है आपकी जितनी भी कुल लागत होगी। जी जी बिल्कुल। तो देखिए कई तरह की सुविधाएं आपके लिए जिसका आप लाभ ले सकते हैं। अब मैं डॉक्टर मोहन आपके पास आना चाहूँगी। जैसे कि हम मिट्टी की जांच की बात कर रहे हैं, हमारे दर्शकों ने भी इसमें काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया कि कैसे अच्छा सैंपल हम कलेक्ट करें, इसके अलावा और क्या लाभ है मिट्टी की जाँच कराने के? एक तो ये कि हमें पोषक तत्वों की कमी क्या है वो पता चल जाता है, किसकी कितनी क्या लेवल है ये हम जान सकते हैं। अगर हम दूरगामी प्रभावों की बात करें तो किस तरह के लाभ हैं इसके? देखिए मैडम, ऐसा है कि मिट्टी में जब ज़्यादा पोषक तत्व लगाते हैं तो उससे एक तो ये है कि पैसा खर्च ज़्यादा होता है और मिट्टी की उर्वरता शक्ति पर इफेक्ट पड़ता है। जी, इसीलिए मिट्टी की जांच करना जरूरी है। मिट्टी की जांच में हम लोग 12 पैरामीटर की जांच करते हैं, 12 पैरामीटर निकालते हैं मिट्टी में से। सबसे पहले हम निकालते हैं pH, जिसको पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है कि हमारे मिट्टी के अंदर कितने हाइड्रोजन की शक्ति है, कितने उसमें हाइड्रोजन की पावर है, pH, तो पावर हाइड्रोजन है। फिर मैडम उसमें हम निकालते हैं विद्युत चार्ज, ईसी निकालते हैं कि हमारे खेत में कितनी गर्मी है, मतलब कितनी बिजली है उसके अंदर, कितनी विद्युत चालकता है।
मिलीमोल पर साइमस यूनिट होती है। इस प्रकार से बेटा हम निकालते हैं ऑर्गेनिक कार्बन परसेंट, उसमें जीवांश कार्बन की भूमि के अंदर कितना जीवांश कार्बन है, जिससे कि हमको नाइट्रोजन पता लगता है कि हमारी भूमि के अंदर कितना नाइट्रोजन अवेलेबल मात्रा में है और कितना हमको देना है। इस प्रकार से हम निकालते हैं द्वितीय पोषक तत्व निकालते हैं, उसमें निकालते हैं हम लोग कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। इसको भी हम किसान को निर्धारित करके देते हैं कि इसमें कितना प्रति किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मौजूद है, कितना हमको देना। और एक और देखा हमने, आपने सुना होगा सूक्ष्म पोषक माइक्रो न्यूट्रिएंट की बहुत आजकल कमी हमारी देश की शोर में आ रही है, इसमें कि हमारे सात पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि हमारा बोरान होता है, हमारा आयरन होता है, मोलिब्डेनम होता है, और हमारा मैग्नीज होता है, क्लोरीन होता है। इस प्रकार से हमारे सात माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, उनकी भी आजकल हमारी भूमि के अंदर काफ़ी डेफिशिएंसी होने लगी है। उनकी हम लोग जाँच करके किसान भाई बताते हैं कि आपके खेत में इतना जिंक मौजूद है और इतना जिंक को जिंक सल्फेट से आपको पूर्ति करनी है। तो एक तो मैडम ये मेरा इतना अच्छा महत्व है कि जो पोषक तत्व हमारे किसान भाई ज़्यादा डालते हैं, जिसमें खर्चा ज़्यादा आ जाता है और मिट्टी की फर्टिलिटी कम हो जाती है, यदि हमारे किसान भाई संतुलित मात्रा में पोषक तत्व का प्रयोग करेंगे तो एक तो हमारा खर्चा जो है वो कम होगा, जो कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन कम आएगा हमारा किसान का, और हमारे मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो हमारी कायम बनी रहेगी और हमारा बिल्कुल हमारी मिट्टी में किसी प्रकार दिक्कत नहीं आएगी। एक तो ये फायदा मिट्टी जांच करने से, और एक ये फायदा कितने पोषक तत्व की हमको आवश्यकता है फसल में, अन्यथा हमारे किसान भाई ज़्यादा देते हैं तो या तो वो लीच हो जाते हैं, विचलन हो जाता है पोषक तत्वों का, या फिर वाष्पीकरण होकर ऊपर उड़ जाते हैं। इसीलिए मिट्टी जांच करने ये भी फायदा होता है कि ये पता लग जाता है कि कितने पोषक तत्व की हमारे फसल को जरूरत है। तो एक तो ये फायदा है, और कई फायदे हैं पोषक तत्व की कमी से, वो पोषक तत्व की जांच कराने से यूरिया डीपी ज़्यादा नहीं लगता, पर कई फायदे हैं, और बिल्कुल संतुलित मात्रा में हमारा पोषक तत्व का उपयोग करते हैं। जी 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 बिल्कुल, हमारी फसल गिरती नहीं है, ज्यादा यूरिया लगाएंगे तो फसल हमारी गिर जाएगी, डॉजिंग हो जाएगी। जी जी, तो इस प्रकार से कई फायदा है मैडम उसको किसान इस तरफ देखा जाए। एक कॉलर है सर, एक कॉलर है, प्रेम सिंह है महाराष्ट्र से, उनका हम पहले सवाल ले लेते हैं। प्रेम सिंह जी स्वागत है हेलो किसान में, बताए क्या सवाल है आपका। नमस्ते मैडम। नमस्कार। ये ज्वार बाजरा से प्रोडक्ट बना के ट्रेनिंग के लिए पूछना था। अच्छा, ट्रेनिंग कहाँ से लिए जाना चाहते हैं? हाँ, ट्रेनिंग कहाँ से? ठीक है, कोई कोई उत्पाद जो बनाना चाहते हैं जिसके बारे में आप बताना चाहें? हाँ, जी जी, उत्पाद बनाना। क्या बनाना चाहते हैं? जैसे बिस्किट है। ठीक है डॉक्टर शालिनी, क्या ठीक है, क्या बताना चाहेंगे डॉक्टर शालिनी? जी प्रेम सिंह जी, सबसे पहले तो आपने ये सोचा कि हाँ हम प्रसंस्करण करेंगे, उसके लिए बधाई। आपके महाराष्ट्र में बहुत सारे कृषि विश्वविद्यालय हैं, बहुत सारे होम साइंस कॉलेजेस हैं जहाँ पर आपको, और कृषि विज्ञान केंद्र भी होंगे जहाँ पर आपको बिस्कुट बनाने की, जो मोटे अनाजों से या फिर जो श्रीअन्न आप उगा रहे हैं उनसे बनाने की ट्रेनिंग प्रशिक्षण आपको मिल जाएगी। बहुत ही आसान होता है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। इसके लिए सिर्फ मात्र 2 लाख रुपए से आप अपनी पूरी मशीनरी की लाइन आप बना सकते हैं, फिर अच्छे से पैकिंग करके आप अपने आसपास के ज़िलों में पहले बेचना शुरू करिए और आपका अच्छा ये काम चल सकता है। जी जी बिल्कुल, और जैसे कि आपने बताया, अच्छा मैम ये बताया जैसे प्रसंस्करण की यूनिट एक लगाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे दर्शक हैं बिल्कुल मुझे लगता है नए हैं, इस दिशा में जाना चाह रहे हैं, तो उन्हें शुरुआत कहाँ से, किस तरह से यूनिट स्टेब्लिश करनी चाहिए? जी जैसे मैंने बताया कि अगर सिर्फ हम सीधा कच्चा माल से शुरू करें, यानी कि खेत से हमें मिल रहा है मोटा अनाज, तो सबसे पहले हमें डी स्टोनर, यानी कि उसके अंदर कोई भी मिट्टी या फिर पत्थर वगैरह नहीं आना चाहिए ताकि आगे की मशीन ना ख़राब हो, डी स्टोनर और एस्पिरेटर ताकि उसके ऊपर जितनी भी गंदगी लगी है वो हवा से साफ़ हो जाए। इसके बाद में फिर हम उसको डी हलिंग करते हैं, यानी डी हस्किंग जो, ताकि उसका ऊपर का छिलका हट जाए। फिर उसके बाद डी हलिंग, अगर ज़रूरत पड़े तो तब उसकी डी हलिंग करनी है या पॉलिशिंग करनी है। उसके बाद में या तो उसको सूजी की तरह हम बेच सकते हैं या फिर उसको पाउडर बना के आगे इस्तेमाल कर सकते हैं। पाउडर बनाने के लिए एक चक्की चाहिएगी, और फिर उसके बाद में जिस तरह का उत्पाद बनाना है, सब माना कि जैसे अभी प्रेम सिंह जी कह रहे थे हमें बिस्किट बनाना है, तो जैसे आटा उसका बन गया, उसके बाद में उसको सारी सामग्री को मिलाने के लिए हमें एक मिक्सर चाहिए, तोलने की मशीन चाहिए,
स्टेनलेस स्टील की टेबल्स और ये सब चाहिए ताकि सफाई से हम बेलने का या फिर काटने का और सांचे वगैरह हमारे पास हों, और ओवन होना चाहिए और एक पैकिंग यूनिट। जी, हीरा लाल जी हैं मधुबनी बिहार से, हमारे कॉलर आए, उनका भी हम सवाल ले लेते हैं। हीरा लाल जी बताएं क्या सवाल है आपका। हेलो हेलो जी, हीरा लाल जी स्वागत है हेलो किसान में, बताइए सवाल क्या है आपका। सवाल है के एम 340 रागी की वैरायटी का बीज कहाँ पर उपलब्ध है? किसका? के एम आर 340। अच्छा ठीक है ठीक है। हीरा लाल जी बिल्कुल सही सवाल। ये जो है कर्नाटक में जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च है वहाँ से आपको ये बीज मिलेगा, और ये सफ़ेद रंग की रागी होती है और बहुत ही पौष्टिक होती है, और जब इसका आप उत्पाद बनाएंगे तो उसका रंगत भी बहुत अच्छी मिलेगी। जी, पौष्टिक भी है और गोरी वाली रागी है। जी बिल्कुल, अब बिल्कुल जैसे हम बात कर रहे थे कि थोड़ा इनका रंग जो है वो भूरा होता है, तो कई बार हमारे जो दर्शक हैं कई बार वो उसको लेकर के मन में आशंकाएं रहती हैं, लेकिन उसके न्यूट्रिएंट्स पे जाए, ये बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं, पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। आइए बात करते हैं डॉक्टर मोहन से। डॉक्टर मोहन मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैडम। जी जी सर, और जैसे कि हमने जाना कि कैसे कैसे इसके लाभ लिए जा सकते हैं, इसके अलावा जो किसान मिश्रित खेती करते हैं या फिर फसल चक्र अपनाना चाहते हैं, क्या उन्हें भी मिट्टी की जांच से फ़ायदा होता है या फिर और बेहतर तरीके से वो इस पर फैसला कर सकते हैं? बिल्कुल मैडम, मिट्टी की जांच से ये फायदा होता है कि जैसे मान के चलो अभी हम पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर गन्ने के साथ सरसों मिक्स क्रॉपिंग करते हैं यहाँ पर ज़्यादातर, और शुगर के साथ मस्टर्ड, हमारे इधर वेस्टर्न यूपी के अंदर काफ़ी करते हैं मस्टर्ड के साथ में शुगर के प्लस पोटैटो प्लस मस्टर्ड, इस प्रकार की खेती करते हैं। तो उसमें मिट्टी जाँच करने से ये पता लग जाता है कि एक ही बात जांच करने से दोनों के पोषक तत्व तो जो हम लगाते हैं एक ही पोषक तत्व से कम हो जाता है। जैसे मान के चलो हम लोग गन्ने के साथ में मस्टर्ड लगा रहे हैं, सरसों लगा रहे हैं, तो सरसों में कोई अलग से पोषक तत्व नहीं लगाना पड़ता, इसी पोषक तत्व से ही हमारा शुगर केन के साथ ही हमारी सरसों की फसल हो जाती है, ये भी फायदा होता है। और मैडम ये भी है कि फसल चक्र या बात करते हैं तो फसल चक्र के सिद्धांत जो होते हैं उसको हर किसान भाई अपनाना चाहिए। जिस खेत में हमने कोई फसल इस समय सरसों बोई है तो आगे फसल में सरसों की सरसों नहीं बोना चाहिए, उनकी फसल होना चाहिए फसल चक्र में। तो इस प्रकार के हमने फसल को अदल बदल करके बोलना ही फसल चक्र कहलाता है, तो जिससे कि बार बार मिट्टी जांच भी नहीं करानी पड़ेगी और खरपतवार भी नष्ट हो जाएंगे फसल चक्र का उपयोग करने से। एक होता फसल चक्र के सिद्धांत कहते हैं कि जिस किसान भाई ने अधिक पानी चाहने वाली फसल बो रखी है तो अगली फसल उसको रिले क्रॉपिंग कहते हैं, अगली फसल कम पानी चाहने वाली होनी चाहिए। जिस किसान ने इस समय अधिक खाद चाहने वाली फसल बो रखी है, अगली फसल कम खाद चाहने वाली फसल होनी चाहिए। इस प्रकार से हमारे किसान भाई रोटेट करेंगे, बदल बदल करेंगे, तो मिट्टी की जांच पे भी कोई बार बार नहीं करानी पड़ेगी, क्योंकि उसको जो पत्तियां होती है उसकी पट्टी उसका जो खरपतवार भी मैडम अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। बिल्कुल, तो खरपतवार जो है अपने आप भी नष्ट हो जाएंगे, और इसलिए बहुत जरूरी है कि आप मिट्टी की सेहत जरूर जान ले। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। सुनिए आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। मिट्टी, मौसम, बीज, फसल, किसान को मिलेगी यहां हर सरकारी स्कीम की जानकारी। जो करके आएगा पूरी तैयारी, प्रश्न का उत्तर देकर बनेगा इनामधारी। मंच है तैयार, प्रश्न है तैयार, और आप? मैं भी हूँ तैयार। मैं हूँ तैयार। हाँ मैं भी हूँ तैयार। मैं भी तैयार हूँ। किसान प्रश्न मंच में आपका स्वागत। किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार रात 8:30 डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। आज हम बात कर रहे हैं मोटे अनाज के प्रसंस्करण की, और साथ ही मिट्टी के जांच के विभिन्न आयाम क्या हैं जिसे हमारे किसान अवश्य समझे। और शिव जी हमारे साथ हैं अमरावती महाराष्ट्र से, फोन लाइन पर आइए उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो हेलो
हेलो शिवदास जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जी शिवदास जी बताएं क्या सवाल है आपका, किस विषय से जुड़ा सवाल है? मेरा सवाल है कि मिट्टी जांच कैसे करें? मिट्टी की जांच कैसे करें, कोई विशेष सवाल है क्योंकि इस पर तो हम काफी सारे चर्चा कर चुके हैं। हेलो आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन कोई बात नहीं, आपने फिर से हमें इस सवाल का जवाब चाहा तो हम डॉक्टर मोहन से जानना चाहेंगे। सर मुझे लगता है हमारे दर्शक अभी अभी जुड़े हैं और इनका सवाल ये है कि महाराष्ट्र से ही अमरावती से मिट्टी की जांच कैसे करें अपने क्षेत्र में। देखिए मैडम कोई बात नहीं, किसान के लिए हम 24 घंटे तत्पर हाजिर हैं, किसान के लिए फोन लाइन पर भी फोन पर भी कोई दिक्कत नहीं। देखिए किसान भाई आप, मेरा आपसे अनुरोध है कि फसल की बुवाई से पहले अपने खाली खेत से एक मिट्टी का आधा नमूना लें और एक आधा नमूना लेकर के और करीब आधा किलो से लगभग मिट्टी का नमूना हो छाया में सुखा लें और छाया में सुखा करके और अपने नज़दीकी प्रयोगशाला में जहाँ पे आप कुछ विज्ञान केंद्र हों, विश्वविद्यालय हों, कृषि विभाग की तहसील स्तरीय प्रयोगशाला हों वहाँ पर ले जाइए और अपने खेत से चारों कोनों से मिट्टी का एक नमूना ले लीजिए, मिट्टी खोद लीजिए 6-7 इंची नीचे से और उनके साइड से मिट्टी लेकर गड्ढे खोद करके साइड से मिट्टी लेकर खुरपी की सहायता से और उसको ले लीजिए 4-5 जगह से आप मिट्टी लेकर के उसके एक गोल्ड बना लीजिए, उसको आमने सामने बाहर हटा करके 4 हिस्से करके आमने सामने हटा दीजिए और फिर जो आधी मिट्टी बच रही है उसको फिर गोल्डर बनाइए, गोल्डर बनाकर फिर 4 हिस्से काट लीजिए। इस पर गतिविधि करते करते किसान भाई जो आपके पास में 500-600 ग्राम मिट्टी रह जाए उस मिट्टी को छाया में सुखा करके और एक साफ सी कपड़े की थैली भर लीजिए और थैली भर करके अपने नाम की 2 टैग बनाइए, नाम, पिता का नाम, गांव, विकासखंड और आपका मोबाइल नंबर और जनपद और कौन सी फसल आपकी कटी है, कौन सी फसल आपको बोनी, इस स्लिप को लिख करके वहाँ पर आप मिट्टी का नमूना दे आइए, जो भी स्लिप होना उनको जमा कर दीजिए और अधिकांश से आप तो फ्री में भी जांच होती होगी और जिससे कि आपके हिंदी के फॉर्मेट में सॉइल हेल्थ कार्ड पर वहाँ के प्रभारी भाई लिख देंगे कि आपको किस पोषक तत्व की कमी है और ये पोषक तत्व किस उर्वरक से देना है। जी एक और कॉल है सर, मैं मोहन जी आपको रोकना चाहूंगी, इनका भी साथ साथ सवाल ले लेते हैं। शंकर सिंह तोमर जी हैं मध्य प्रदेश से, शंकर जी बताइए आपका सवाल क्या है। हेलो जी बताएं आपका सवाल क्या है। हाँ मैम मुझे ये मिट्टी परीक्षण के लिए जानकारी लेना था। ठीक है हम इसी की जानकारी दे रहे हैं मोहन जी, हमारे जो दूसरे दर्शक हैं ये भी मिट्टी के परीक्षण के बारे में जानकारी चाहते हैं तो मुझे लगता है इनका किसानों को आजकल बहुत ही किसान भाई इतना उजागर हो गए हैं कि मिट्टी की जांच करने की बात कर रहे हैं, कम से कम अच्छी बात तो है। तो मिट्टी की जाँच करने से अंजू जी बहुत फायदे है क्योंकि एक तो ये है कि पोषक तत्व का पता लग जाता है और जो हमारे किसान भाई फालतू फर्टिलाइजर देते हैं, जैसे मान लो एक किसान ने 5 किलो DAP बचा लिया है 1 बीघा से तो आजकल 25 रुपये किलो DAP है तो 125-150 रुपये का उसको भी फायदा होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगा। तो किसानों को इस प्रकार की जानकारी होना चाहिए कि मिट्टी की जांच से क्या फायदे हैं और क्यों कराना चाहिए। तो किसान भाई ये कहना चाहूँगा इसका फायदा यही है कि इसमें पोषक तत्व तो कम लगते हैं, मिट्टी फटती योग्य दबरी रहती है, खर्चा कम आता है, संतुलित मात्रा में पोषक तत्वों का प्रयोग होता है जिससे हमारी फसल ना गिरती है और ना ही उसको भोजन कम मिलता है। तो ये मिट्टी की जांच करना बहुत अत्यावश्यक है, भारत सरकार ने काफ़ी दिनों से अभियान चला रखे हैं और हर कृषि विज्ञान केंद्र, हर कृषि विश्वविद्यालय, हर कृषि विभाग की तहसील प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच होती है और आप नज़दीकी जहां आपको पड़ते हो मिट्टी जांच करा लें और मिट्टी नमूने लेने का मैं कई बार आपको बता चुका हूं और आजकल तो गूगल पर, आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, मृदा नमूना लेने की विधि आजकल इंटरनेट के गूगल पर आप सर्च कर सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र पर जाइए, कोई मेरे जैसा वहाँ वैज्ञानिक होंगे उनसे उनसे फोल्डर ले लीजिए, सर मुझे बता दीजिए, कृषि विभाग से जुड़ जाइए कि सर मुझे कोई एक लिटरेचर दे कैसे लेते हैं। जी सर जी आप बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मोहन, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी और हमारे दर्शकों ने कई सवाल दोबारा पूछे तब भी आपने उन्हें बताया और हमारा मकसद भी यही है कि किसानों तक सही जानकारी पहुंचनी चाहिए। इसके तरीके अलग अलग हैं जिनसे आप ये जानकारियां हासिल कर सकते हैं और उनमें से एक है DD किसान का हेलो किसान भी, जहां अभी आपने अपने सवाल पहुंचाए और हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर मोहन सिंह से लाइव जवाब जाने। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और अब डॉक्टर जी, डॉक्टर शालिनी से बात करते हैं। मैम, क्या सलाह देना चाहेंगे हमारे उन किसानों को, कम शब्दों में, जो कि मोटे अनाज का प्रसंस्करण करना चाहते हैं? जी, सबसे पहले किसानों को यही कहना चाहते हैं कि जैसे कि डॉक्टर मोहन ने भी बात की कि खेतों में भी विविधता चाहिए, और जब हम बाकी फसलें लगाते हैं तो वो काफ़ी न्यूट्रिएंट्स खींच लेती हैं, लेकिन जो हमारे मोटे अनाज हैं, जहाँ पर मिट्टी ख़राब हो चुकी है, जहाँ पर पीएच का लेवल काफ़ी हाई हो चुका है और पानी नहीं है, तो वहाँ पर इन फसलों को पहले तो उगाएं और अपने खाने खान पान में इसको शामिल करें, और फिर किसी न किसी तरीके से प्रसंस्कृत करके इसको आप अपनी आय को बढ़ाने का जरिया बनाएं। जी जी, बिल्कुल। देखिए, इससे एक ये भी समस्या जो होती है कि एक बार किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं, तो ये फसलें काफ़ी मजबूत फसलें होती हैं, इन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव मौसम के बदलाव का, या फिर बहुत ज़्यादा पानी की इनमें आवश्यकता नहीं होती, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए कम कॉस्ट में आप अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं, और अभी क्योंकि इसकी डिमांड काफ़ी है तो आप इसके भाव भी अच्छे प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शालिनी आपका भी स्टूडियो में आने के लिए, दर्शकों को मोटे अनाज के प्रसंस्करण से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ ही आज के हेलो किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन अगले अंक का विषय क्या है, आइए डालते हैं नजर। अगले अंक का हमारा विषय है फूलों की खेती, और साथ ही हम बात करेंगे मशरूम की खेती पर भी। अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, एडवांस में अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमारा ईमेल पता एक बार फिर से नोट कर लें, hellokisan2015@gmail.com, ये हमारा ईमेल आईडी है। इसके अलावा हमारा कॉल सेंटर नंबर भी नोट कर लें, यानी हेलो किसान डीडी किसान का कॉल सेंटर नंबर 1800-113-0060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच में कॉल करें, अपने सवाल रिकॉर्ड करवाएँ। और एक और जानकारी दे दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम, यानी अगर आप चाहें तो आज के एपिसोड को भी फिर से देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर। ये QR कोड आपके स्क्रीन पर, इसे स्कैन करें या फिर YouTube पर जाकर @DDKisan चैनल हमारा जो ID है उसे सर्च करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी कार्यक्रम आपको पसंद आए लाइक करें, आप अपने सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से भी हम तक पहुँचा सकते हैं। हेलो किसान के अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। तेरे ना तेरे ना तो दानी दया करो दर्दीम दर्दीम ना तारा ना ना री रा रा ना DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। आशु, इसकी सांसें धीमी हो रही है। देखो, ये खुद भी मरेगा और तुम सब भी मरोगे। अबे,
रुक जाओ सर। अबे छोड़। क्या बताओ सच कह रही हो? नहीं। छोड़। मैं छोड़। जैसे ही वो नकारात्मक शक्तियां जाग उठेंगी इस घर में महा सर्वनाश होगा। देखिए जानकी सोमवार से गुरुवार रात 8:30 बजे पुनः प्रसारण प्रातः 10:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर देश का पहला चैनल देश का अपना चैनल। गिद्धराज हम सबका प्रणाम स्वीकार करें। आप सबको भी संपत्ति का नमस्कार स्वीकार हो। यहाँ से बैठे बैठे एक दिन मैंने भी देखा था कि दुष्ट आत्मा रावण एक रूपवती तरणी को अपने विमान पर बलपूर्वक ले जा रहा था। तो कृपा करके बताइए वो कहाँ है? वो इस समय रावण के राजमहल में किसी वृक्ष के नीचे बैठी गहरी चिंता में डूबी हुई है। रामायण प्रतिदिन शाम 6:00 बजे पुनः प्रसारण दोपहर 12:00 बजे डीडी नेशनल पर। बदलते भारत की शान।